गाइस, और आज हम आ चुके हैं रामेश्वरम। और रामेश्वरम में हम आपको दर्शन करवाएंगे रामेश्वर भगवान के, राम सेतु वगैरह और सारी चीज़ें। ये हम आप देख सकते हैं पीछे समुद्र है और ये काफ़ी नीला है। मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है, ये बहुत ही ज़्यादा नीला है जितने अभी तक हमने समुद्र देखे। हमने हर जगह के समुद्र देखे बट ये सबसे नीला दिख रहा है। मैं सारा व्यू अभी दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नीला समुद्र है। और वहाँ पर है बंदर का और यहाँ पर सारी नाव वगैरह है, देख सकते हैं पूरा नीला समुद्र है पूरा का पूरा। और अब हम जाएंगे रामेश्वरम मंदिर, यहाँ पर हमने नहा लिया है और यहाँ से जाने के बाद हम पहुँच जाएंगे डायरेक्टली रामेश्वर मंदिर। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का पूरा आपको सीनेरियो में दिखाऊँगा। रामेश्वर के मंदिर में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे इस टाइप के कॉरिडोर, क्या जो भी बोल सकते हैं, इसमें हम जाने के बाद फाइनली यहाँ का प्रोसेस होता है जिसके अंदर 22 कुंडों से जल किसे हमें नहाना होता है, जिसको भी अभिषेक करना हो। और जो गंगोत्री से जल लाया हुआ है और जिसको भी जल चढ़ाना हो रामेश्वर जी को, वो इन 22 कुंडों से जल चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर से कुंड से जल निकाल निकाल के यहाँ पर सारे लोगों को नहला रहे हैं। देख सकते हैं आप, एक एक बाल्टी सभी पर डाली जाएगी। और ये 22 कुंड है, इसमें गरम कुंड और सीता कुंड और नल नील कुंड, इस टाइप के नाम है कुछ कुंडों के, उन कुंडों से सबको नहलाया जा रहा है यहाँ पर। और नहलाने के बाद ही आप अभिषेक कर सकते हैं, यहाँ का रूल है। तो यहाँ पर सारे लोग नहाने के बाद अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर जाने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कॉरिडोर बने हुए हैं। और अब हम जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था। और यहाँ पर जो कलश इसके अंदर वो जल है जो ये गंगोत्री से भर के लाए थे केदारनाथ गए थे उस समय, और सारों का जल इकट्ठा करके अब हम पहुंच चुके मंदिर। यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप लाइन लगी हुई है और यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं लाइन के अंदर। और यहाँ पर सामने लाइन लगी है, हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद हम अच्छे से दर्शन कराएंगे। यहाँ पर मोबाइल अलाउ था नहीं बट ये आप देख सकते हैं महाकाल भगवान यानी कि रामेश्वर जी के दर्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ। मोबाइल अलाउ है नहीं, यहाँ पर लोग मना बोल रहे थे, सभी मना बोल रहे हैं, उसके बावजूद मैंने दर्शन कराए। यही वो रामेश्वर भगवान है जिनको राम जी ने अपने हाथों से बनाया था रेत से, देख सकते हैं। यहाँ पर पुजारी जी रास्ते में आ गए, मैंने कोशिश पूरी की थी, यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, ये आदमी भी हमें बोल रहा है आप देख सकते हैं, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके यहाँ पर शूट लिया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी मुझे बट मैंने शूट लिया था, यहाँ पर मना था। उसके बाद ये जो मेरी फिंगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर वो भगवान बैठे हुए, मैं नीचे आकर ये पूरा सीनेरियो दिखा रहा हूँ। वहाँ पर वो बैठे हुए और पूरे लाइन में लगे थे। अभी भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है बट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थी। मैं थोड़ी देर बाद आया था अलग से यहाँ पर शूट लेने के लिए। और अब हम निकल रहे हैं मंदिर के बाहर। तो मंदिर के बाहर निकलने के बाद और भी चीज़ें दिखाएंगे मंदिर की। यहाँ पर जो मंदिर के आसपास की जो दीवारें है उस पर पूरी रामायण की गाथाएं लिखी हुई है, कब क्या हुआ था कैसे हुआ था, और सारे श्लोक के माध्यम से लिखा हुआ है। ये बहुत ही लंबा कॉरिडोर है, ये बहुत फेमस है मंदिर का। फेमस चीज़ यही है कि यहाँ पर बहुत लंबे लंबे इस टाइप के कॉरिडोर टाइप है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबा है। और इसी के साथ अब हम निकल चुके हैं मंदिर के बाहर, ये आ गए हम मेन गेट पर। मेन गेट आप देख सकते हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर दर्शन करके। और ये जो सब चीज़ें देख रहे होंगे सब मंदिर के अंदर का सीन था। और यहाँ पर कैमरास अलाउ नहीं था पर मैंने बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर हर जगह की वीडियो को जितना शूट कर पाना था वो सारा मैंने किया है। आपने वैसे भी देखा ही होगा किसी भी जगह मोबाइल अलाउ था नहीं बट मैंने हर जगह शूट किया है और पूरा मंदिर के दर्शन करवाए हैं। तो इसी के साथ हम कल सुबह जाएंगे, अभी शाम को क्या है टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं आई थिंक, हर बारी 6:30 बजते हैं वीडियोस में तो 6:30 ही बजे देख लेना। तो 6:30 बज चुके हैं और जो राम सेतु वगैरह का जो पूरा सीन है वो बंद हो चुका है, वो सुबह वापस खुलेगा। तो यहाँ से 18 किलोमीटर से तो मिलते हैं सुबह वहीं, और अगर शाम को कोई सीन दिखाना होगा तो मैं दिखाऊँगा, अदरवाइज़ सुबह मैं डायरेक्टली राम सेतु का सीन दिखाऊँगा जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर है। और अभी भी हम आइलैंड पे खड़े हैं, ये आइलैंड है एक तरीके से,
और वहाँ पर जाकर हम दिखाएंगे कि भगवान श्री राम ने कैसे सेतु बनाया था। तो जय श्री राम के साथ कमेंट में जय श्री राम लिखिए आप, और इसी के साथ मिलते हैं कल। सो बाय बाय। सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं राम सेतु की ओर, और रास्ते में आई थिंक 12 प्लेसेस आएंगे जहाँ पर हम विजिट करेंगे। ये अभी हम जा रहे हैं राम सेतु की ओर, यहाँ से बस लिए हमने, और वहाँ जाकर दिखाता हूँ सारी चीज़ें जहाँ पर राम जी ने बाण मारा था, हनुमान जी का मंदिर है, राम सेतु वगैरह, और श्रीलंका की बॉर्डर है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा। यहाँ से 18 किलोमीटर से, तो अभी हम जस्ट निकले ही हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे एक टाइम पे सुनामी आई थी, जिसकी वजह से सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। ये आप देख सकते हैं सारी चीजें टूट चुकी है। ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर था, वो भी पूरा टूट चुका था क्योंकि यहाँ पर सुनामी आई हुई थी। ये अभी हम जहाँ आए, ये जस्ट बॉर्डर आने वाला है श्रीलंका और इंडिया का, और जो इसके उधर साइड पूरा सी है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये चर्च है, अभी पूरी तरीके से टूट चुका था। ये उस साइड समुद्र आप देख सकते हैं, और ये पोस्ट ऑफिस वगैरह थे, ये भी सारी चीज़ें टूट गई थी। और देख सकते हैं हम सारी टूटी हुई चीज़ें, यहाँ पर सुनामी आने से हुआ था ये सब। ये हालत थी सुनामी की वजह से, और अभी तक ये चीज़ें ठीक नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं कमरे थे, घर बने हुए थे, ये सब टूटे हुए हैं। और जो ये सुनामी आई थी, ये 1964 में आई थी, मतलब आई थिंक 56 और 59 ईयर्स हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप 59 ईयर्स की पहले सुनामी आई हुई थी, और ये हालत हो चुकी है। ये जस्ट एंडिंग है इंडिया का, यहाँ से श्रीलंका फिर स्टार्ट हो जाता है, राम से तो आ जाता है। फाइनली हम आ चुके हैं उस प्लेस पे जहाँ पर जो रास्ता है श्रीलंका को जाने का ख़त्म हो जाता है, और दोनों साइड का जो समुद्र है वो मिल जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा संगम है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जाकर अभी हम जिस रोड से आए थे उसमें दोनों पार्टीशन था, और अब यहाँ पे जाके दोनों चीज़ें मिल जाती है, देख सकते हैं। ये वहाँ से वो वाला समुद्र आ रहा था, वहाँ से वो वाला समुद्र आ रहा था, दोनों यहाँ आकर मिल चुके हैं। और इसके बाद हम जाएंगे दूसरी जगह, ये एक स्थान हो चुका है 12 में से, जहाँ आप देख सकते हैं पर काफी ज्यादा लोग हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मस्त हवाएं चल रही है, बादल उड़ रहे हैं। और जिस जगह अभी हम खड़े हैं पीछे से समुद्र, और हम अभी हाइट पर खड़े हैं, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पर काफी मस्त हवाएं चल रही है, और जो लहरें हैं वो भी बढ़िया से उड़ रही है, ये समुद्र जो मिल रहा है वो। हम पहुंच चुके हैं राम सेतु पर, यहाँ बाय रोड हम आए थे, वो बस पड़ी है, और ये समुद्र, और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी। और अभी आपको दिखाते हैं राम सेतु, अभी जाकर मैंने भी नहीं देखा है किस टाइप का है, बट चल के दिखाते हैं। यहाँ पर ये शिवलिंग रख के, शिवलिंग के पास ये पत्थर रख के दिखा रहे हैं राम सेतु का, और इधर देखते हैं कहाँ है ये वो पत्थर राम सेतु का, आप देख सकते हैं इस टाइप का है। फोकस करूँगा, ये फोकस करूँगा, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर समुद्र के किनारे पड़े पत्थर, ये वही पत्थर है जो तैरते हैं,
ये देख सकते हैं आप, इनमें छोटे छोटे छेद टाइप कुछ हैं और इसी की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसी की वजह से वो तैरते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और इसमें जो पूल है वो नज़र अभी आ नहीं रहा है, जो वाटर लेवल जैसे ही कम होता है कि वो जो पूल होता है वो ऊपर आ जाता है, अभी यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। और यहाँ पर ये कुछ बना रहे हैं देख सकते हैं छोटे छोटे, और देखते हैं। और जो 1964 में जो सुनामी आई थी उसमें जो पूल है पूरा डूब चुका था, वो पूल यहाँ पर ये बना हुआ है, इसके अंदर से जो अगर ये पानी खाली हो जाता है तो दिखता है, यहाँ पर अंदर चला गया है पूरा का पूरा पूल। और जो वो जो पूल दिखता है वो श्रीलंका के उस साइड से दिखता है, यहाँ से 30 किलोमीटर से श्रीलंका सीधे जाएंगे तो यहाँ से 30 किलोमीटर पे श्रीलंका आ जाता है। और उधर साइड से जो 1 किलोमीटर तक पूल दिखता है, बस इधर साइड से पूरा डूब चुका है सुनामी की वजह से। हम आ चुके हैं कलाम सीशेल मार्ट, जहाँ पर म्यूज़ियम है और भी चीज़ें, एंटिक चीज़ें, अंदर जाकर देखते हैं। अभी हम आ चुके रामेश्वरम के अंदर, जो सिटी के अंदर ही है कलाम का पूरा, अंदर जाकर देखते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पर है सारी ख़रीदने की चीज़ें, देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे जो शंख वगैरह होते हैं वो भी यहाँ मिलेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं, शंख वगैरह और सारी चीज़ें जो समुद्र से रिलेटेड, ये यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए घर में देख सकते हैं आप, डेकोरेशन सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, इसको भी मारेंगे ये। और यहाँ पर कुत्ते वगैरह भी हैं देख सकते हैं, और ये सारे छोटे बच्चों की चीज़ें इधर है और हमारे लिए सारी उधर है, हम इधर गलत आ गए। बट यहाँ पर देख सकते हैं इनकी डिज़ाइन, ये पूरी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर गौतम बुद्ध वगैरह, गणेश भगवान और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये डिज़ाइनिंग देख सकते हैं आप मोर वगैरह की, काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं, ये बैग वगैरह, शंख और भी कुछ चीज़ें हैं, ये ब्रश बोल मैंने मेरे लिए लिए, और ये कुछ कान में पहनने के मेरे नहीं है, और देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। और इनको अब करवाएंगे बिलिंग, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी बिलिंग में, तो थोड़ी देर से करवाएंगे। पूरे पूरे साउथ वाले तो बाय बाय, करवाने के बाद फेंक हो रहे हैं अपने सामान, यहाँ पर बिल हो चुका है।